हम लोगों ने कल कहा था क्या था, वी डिड द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स, डू यू ऑल रिमेंबर? इट इट फटाक से बस हेडिंग्स रिवाइज करके कल क्या था किया, सो दैट पीपल नो व्हाट दे हैव मिस्ड आउट. ठीक है, सो वी स्टार्टेड विद व्हाट इज प्रोडक्शन, यानी किसने डेफिनेशन दी थी, जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन. अच्छा, प्रोडक्शन होने के बाद हमने देखा कि इट बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, from utility, place utility, time utility and service utility. उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये basically production के चार factors of production के बारे में possible है, land, labor, capital, entrepreneur. वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अलग अलग questions जिससे MCQ पूछे जा सकते हैं वो हम लोगों ने सारी चीजें देखी, right? अच्छा, उसके बाद we did what propensity to consume वाला concept याद है क्या? जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद आ रहा है? अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपिटल फॉर्मेशन की तीन स्टेजेस होते हैं, सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है. उसके बाद हम लोगों ने एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव देखे, याद है? कैसे लर्न किया था? शियोन से लर्न किया था. एस से सोशल ऑब्जेक्टिव, एच से ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ई से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ओ से ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट वन इज नेशनल ऑब्जेक्टिव. क्लियर है? यस. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने पूरा इकोनॉमिक प्रॉफिट वगैरह सबके बारे में पढ़ा था, याद आया? यस. नाउ लेट अस स्टार्ट. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक बेसिकली इकोनॉमिस्ट के नाम भी दिए हुए थे. ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आफ्टर द राइज ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर. ये किससे बोला? हावेल मैरिस ने बोला था. अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बेसिकली इसके बाद हम लोगों ने देखा अलग अलग टाइप की जो इकोनॉमिस्ट ने क्या क्या बोला, सैटिस्फाइजिंग बिहेवियर किसने बोला था? एचए साइमंस ने. फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल, ये किसने बोला? गोगोल का सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला थ्योरी. यस, थ्योरी ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन. फिर कि प्रोफेशनल मैनेजर्स एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर, ये दो लोगों ने बोला था, दो मैनेजर्स क्या करो, ए बर्नली एंड जी सी मींस. एंड फिर उसके बाद हमने विलियमसन मॉडल देखा, फिर वेयर दे से दैट मैनेजर्स ऑलवेज गो टुवर्ड्स यूटिलाइजिंग देयर, बेसिकली अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, उसके बाद लास्ट वाला है सायोट एंड मार्च, जिन्होंने पांच गोल्स के बारे में बात किया. फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड प्रोडक्शन, तीसरा इन्वेंटरी, फिर सेल्स एंड देन मार्केट शेयर. तो ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि ये पांच गोल्स या ये चार गोल्स किसने बताया था, फंक्शनल गोल्स, बहुत पॉसिबल फंक्शनल गोल्स किसने बताए थे? सायोट एंड मार्च. ठीक है, चलो नाउ वी गोना स्टार्ट विद The constraints by pursuing what? Profit maximization objective. Now, what are the constraints? There are various constraints by basically pursuing profit maximization. Hamesha possible nahi ho pata. Why? Because there is lack of knowledge and information. Hamesha hamare paas complete knowledge hota hai kya? No, absolute knowledge, complete knowledge कभी भी हमारे पास नहीं होता. Lack of knowledge and information के कारण कभी कभी हमारा profit maximize नहीं हो पाता. जैसे कि pandemic का आना, हमारे पास information थी इसकी? नहीं, absolutely not. That is why people were not prepared for it. और इसके कारण वो अपना production और profit उस तरीके से maximize नहीं कर पाते. Second देखो, restrictions imposed in public interest by the state. ये सुनो, there are a lot of public interest में restrictions imposed by the government, like बोल रहे tobacco ban कर दो, harmful chemicals इनको ban कर दो, drugs को ban करो. Yes, so there are a lot of constraints imposed by the government, which basically does not let you maximize your profit. Yes, अभी जैसे covid के time पे भी government ने क्या करा, सारे offices, factories सबको ban करा था, कि सिर्फ कुछ necessities चालू थी, जैसे कि आप देखिए medical stores चालू थे, राशन की दुकान चालू थी फॉर फ्यू आवर्स, वेजिटेबल वेंडर्स वर अलाउड एंड हॉस्पिटल्स खुले. सो दीस थिंग्स वर द ओनली प्लेसेस ओपन. यस, बाकी सब का सब बंद कर दिया गया बाय बिकॉज़ इट वाज इन पब्लिक इंटरेस्ट. सो देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट जिसके कारण भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो पाता. आगे इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसीज, अभी आप देखेंगे नासिक में ऑलमोस्ट हर जगह की रोड्स खुली हुई है. Yes, this is an infrastructure inadequacy. Yes or no? Traffic ठीक से manage नहीं कर पाया,
Yes, कभी college road में कुछ हो जाता है, कभी ABB circle में कुछ हो जाता है, महात्मा नगर तो हमेशा. Yes, so basically this is what infrastructure inadequacy. आजकल rural areas में industries डलने लगी है, पहले नहीं डल पाते थे, क्यों? Infrastructure अच्छा नहीं. Yes, अभी भी top notch नहीं, but they are trying to improve this. Yes, next. Changes in the economic condition. हमेशा economic condition same होती है. Rate of interest बदलता है. Government की taxation policy बदलती है. Economic condition का मतलब ही क्या है? Government जो control करता है, जैसे inflation हो गया, deflation हो गया, अभी hyperinflation चालू है कि नहीं? Yes. So basically this is an economic condition. चीजें बहुत महंगी हो गई. तो automatically demand for goods and services कम हो गया है. Yes. Again this is going to hamper profit. And last one is inflation, rising interest rate, unfavorable foreign exchange rates. ये सब भी आपके profit को hamper करेंगे. Unfavorable foreign exchange rate मतलब जैसे dollar का rate बढ़ गया था, जैसे रुपये और dollar के बीच में exchange rate होता है, right? So अब if $1 is equal to 100 rupees, तो अब अगर आप चीजें import कर रहे हो, तो मुझे बताओ, तुम्हारे को पहले अगर 1000 units तुमको खरीदने थे, राइट, एंड एक डॉलर का एक यूनिट आता था, तो मतलब रुपए मतलब कितना हो गया, एक डॉलर का एक यूनिट और 1000, यानी कि 1000 डॉलर्स तुम्हारे जाते थे. यस और नो? बट पहले एक्सचेंज रेट 75 रुपीस था, यानी कि 75,000 रुपीस आपके आउटफ्लो होता था. बट अब एक्सचेंज रेट बढ़ गया, 100 रुपीस हो गया, तो 75,000 का 1,00,000 रुपीस आपका आउटफ्लो होगा कि नहीं? कॉस्ट बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया. So basically all these types of things are what constraints while pursuing profit maximization objective. इससे इस टॉपिक से बहुत कम MCQ questions पूछे जाते हैं, but institute की सर्टिफिकेट तो पूछ सकती है क्या? Definitely पूछा जा सकता है, ठीक है? So there are only 5 points in this. पहला है lack of knowledge and information. Next, restrictions imposed in public interest by the government. Next, infrastructure inadequacies. Next, changes in the economic condition. And next, inflation, rising interest rate and unfavorable foreign exchange. सबको समझ में आया? तो इससे आपको समझ में आएगा what are the constraints in profit maximization objective. Clear है? Everybody? Yes. Let's come to the next one. Enterprise problems. जिस तरीके से हमने enterprise objectives देखे थे, अब enter in enterprise को कैसी-कैसी type की problems face करनी पड़ती है? Let's see that. पहला है प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव. अब इसका क्या मतलब? हमने कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव्स देखे? 5, 6, यस, सोशल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, ऑर्गेनिक एंड नेशनल. ये 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स देखे. पर तुम मुझे एक चीज बताओ, सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सेटिस्फाई कर सकते हैं? नहीं. अगर हम लोग बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव हैम्पर हो रहे हैं. यस, हम लोग लो कॉस्ट में चीजें बनाने की कोशिश करेंगे तो एडल्ट्रेशन बढ़ेगा. यस, अगर हम लोग बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लो रेट्स पे लेबरर्स को काम देंगे, कॉस्ट मिनिमाइज करेंगे. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हैम्पर हो रहे हैं. सो दीज ऑब्जेक्टिव one or the other clash with each other. Yes, तो आपको देखना पड़ेगा कि basically आपके enterprise को किस तरीके से prioritize करना है. Social objective भी मिले, economic objective भी मिले, organic objective भी मिले, और सारे objectives आपके fulfill. समझ में आ रहे हैं? Yes, so the first problem is with respect to objective, because objectives automatically clash with each other. Yes, low cost में बनाने की कोशिश करोगे, profit maximize करोगे, तो pollution बढ़ेगा. ऐसी मशीनरी खरीदोगे जहाँ पे cost minimum है, पॉल्यूशन मिनिमम है, वो लोगे तो बेसिकली आपका सोशल ऑब्जेक्टिव मीट होगा, बट आपका कॉस्ट बढ़ जाए. समझ आ रहा है तुमको? यस, तो ऑब्जेक्टिव्स क्लैश विद ईच अदर. सेकंड, लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट. अब जो आप अपनी फैक्ट्री डालने वाले हो, जहां से रॉ मटेरियल का सप्लाई ले रहे हो, उधर फैक्ट्री डालनी चाहिए, उसके पास फैक्ट्री डालनी चाहिए, या जहां आपका एक्चुअली मार्केट है उधर फैक्ट्री डालनी चाहिए? कंफ्यूजन है कि नहीं? यस, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन. यस, so basically location of the industry is also a problem and size of the plant is also a problem. Low scale में start करेंगे, high scale में start करेंगे. Yes, low scale में capital कम लगता है, high scale में capital ज़्यादा लगता है, but cost अपना per unit कम हो जाता है. समझ आ रहा है? So basically second problem क्या हो गया?
location and size of land. Tisra, selecting and organizing physical facilities, jaise ki equipment and building, kaun sa machinery lena, kaha factory building lana, kab nayi factory kharidna, kab nayi machinery kharidna. These are also the problems, these are also the decisions that a business firm has to take, yes or no? Yes. Next, finance. Kaha se basically finance raise karna, funds raise karna, aur us raised funds ko kis tarike se utilize karna, kaun se project mein dalna. Agar 10 projects hai aapke paas, to un 10 mein se kaun se projects mein aapko zyada finance lagne wala hai, wo decide karna, ye bhi ek problem hai ki nahi? Are yes or no? Yes. Aage, organizational structure, aapka kis tarike ki hierarchy rahegi? Yes. Senior manager, top post, फिर manager, कौन से managers लगेंगे? Production, marketing, yes, finance, accounting manager लगता है, और कौन सा procurement manager लगता है? There are different types of managers. और फिर उसके बाद उस managers के अंदर कौन कौन आएगा? ये भी decide करना. So this basically is organizational structure. And the last one is marketing. ठीक है? So marketing किस तरीके से करना? अलग अलग तरीके से marketing हो सकती है. Radio में डाल सकते हो. टीवी में मार्केटिंग कर सकते हो, यस, गूगल पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं आजकल, यस और नो, यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स के बिना अपना वीडियो चलता है नहीं चलता, राइट? सो बेसिकली यू कैन एडवर्टाइज इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, तो डिसाइड करना कि आपको अपना प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट करना है, न्यूज पेपर में डालना है या फिर व्हाट्सएप में भी मैसेज सर्कुलेशन होता है, पता है आपको? यस, सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग. अभी मार्केटिंग के विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग देयर आर फोर पीस जो हमको ध्यान रखने हैं. इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है. फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड प्रमोशन, नेक्स्ट प्राइस एंड प्लेस. तो ये फोर पीस आपको ध्यान रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग. इसे क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग. तीन इनमें से दे देगा और एक कुछ और दे देगा. स्टार्ट्स विद अ पी टू कंफ्यूज यू, यस, एंड ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है आपको. ठीक है, ये नोटबुक में लिखा है ना सब कुछ हमने मार्केटिंग वगैरह के फोर पीस वगैरह में. तो देखो चार पीस क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. फिर से बोलो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. दीज आर द फोर पीस ऑफ मार्केटिंग. ठीक है, उसके बाद और कौन सी प्रॉब्लम आती है? लीगल फॉर्मेलिटीज. यस, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है उस कंपनी. आप लोग आगे जाकर इंटर में पढ़ोगे लॉ में आप लोगों को क्या आएगा, कंपनीज एक्ट. यस, जो लोग सीएस कर रहे हैं उन लोगों को भी आएगा एग्जीक्यूटिव में कंपनीज एक्ट. ये क्या होता है, हर कंपनी को कुछ गाइडलाइंस में कुछ दायरे में रहना पड़ता है, राइट? सो दिस इज कंपनीज एक्ट. नेक्स्ट लेबर एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट. यस यस, तो देयर आर लॉट ऑफ एक्ट्स. अभी लॉ में भी आपके बहुत सारे एक्ट्स है कि नहीं? पार्टनरशिप एक्ट है, यस है, सोगा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट? सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो बेसिकली हर एक चीज के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करनी पड़ती है. ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है कंपनी के. एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद द वर्कर्स. तो एक तरफ प्रॉफिट हो गया और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि लेबर क्लास जो है वही आपकी फैक्ट्री को रन करता है. समझ में आ रहा है? सो यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद. तो नाउ अगर आप देखे तो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू द एंटरप्राइज. पहला ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट, नेक्स्ट सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज लाइक लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट एक्सेट्रा, नेक्स्ट फाइनेंस, फिर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फिर मार्केटिंग, नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटीज एंड द लास्ट वन इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस विद द वर्कर्स. क्लियर है? अब किससे भी क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं बट कंपैरेटिवली कंस्ट्रेंट से तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं. प्रॉब्लम से कभी दो चार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे पहले पूछे गए दो चार क्वेश्चंस तो प्लीज मेक श्योर यू रीड दिस राइट बिफोर योर एग्जाम. बस इतना ही पढ़ना है, अभी समझ लो, बाद में सिर्फ एक यू हैव टू रीड थ्रू दिस. ठीक है, क्लियर? चलो नाउ वी आर डन विद द थ्योरी पोर्शन. लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन फंक्शन. ध्यान आ रहा है प्रोडक्शन फंक्शन अपना शेफ था, शेफ कॉल याद आ रहा है? यस. तो चलो लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्शन फंक्शन. अभी कभी भी इनपुट से आउटपुट बनने के लिए प्रोडक्शन जरूरी है कि नहीं? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि इनपुट बनते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड व्हाट इज, ये सारे क्या है?
ये सारे के सारे इनपुट्स है जिसको बेसिकली हम लोग प्रोसेस करके क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं, राइट। तो हम लोग इसका एक फंक्शन बनाएंगे। कभी भी फंक्शनल रिलेशनशिप बताने के लिए हम इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इसको सिंपलिकली। आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट 1, 2, 3 and 4। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आउटपुट विल डिपेंड ऑन द इनपुट्स। क्लियर है? यस। तो क्यू इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। ठीक है, अभी लेट्स कम टू आवर एग्जांपल। शेफ कॉल की हम लोगों ने बात की थी, याद आ रहा है कि नहीं? यस। अभी बेसिकली इसको क्या बनाने थे, टोस्ट बनाने थे। यस। सो बेसिकली अभी शेफ कॉल क्या करता है, वो ब्रेड लेता है बेसिकली, उसपे मस्त बटर वटर लगाता है और चिली फ्लेक्स वगैरह डालते हैं, गार्लिक ब्रेड बनानी है उसको। तो वो क्या करता है बेसिकली, ये सारा कितना सारा ब्रेड ब्रेड लगाएगा, स्लाइसेस कट करेगा, उसपे ऑरिगैनो डालेगा, गार्लिक को मेल्ट करके डालेगा, जो भी चीज है। ये एक मिनट उसका प्रोसेसिंग टाइम है, उसको जो कच्ची तैयारी बोलते हैं, एंड देन फिर ये टोस्टर में डालेगा उस चीज को। एक टोस्टर चार ब्रेड स्लाइसेस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोसेस कर सकता है, चार टोस्ट बन सकते हैं। ठीक है, और शेफ कॉल को एक मिनट लगता है टू प्रोसेस वन स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो अब हम लोगों को आउटपुट निकालना है। तो देखो, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ऑल द इनपुट्स, यस और नो? अब इस केस में हम लोगों के इनपुट्स क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला ब्रेड स्लाइसेस, यस और नो? ये हमारा इनपुट है, ब्रेड स्लाइस के बिना टोस्ट बनेगा नहीं। सेकंड हमारा शेफ, यस और नो? ये भी एक इनपुट है कि नहीं? लेबर इज एन इनपुट, यस। एंड टोस्टर, टोस्टर क्या है, कैपिटल, यस और नो? यस। सो बेसिकली आप देख रहे हैं ये तीन हमारे इनपुट हो जाते हैं। एक हो जाएगा ब्रेड स्लाइस, दूसरा शेफ और तीसरा टोस्टर। सो बेसिकली नंबर ऑफ टोस्ट is equal to function of bread slices, function of chefs and function of toasters, yes or no? So यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं, output toast is equal to function of all these three things. अब समझने की कोशिश करो, अगर अपने पास 100 ब्रेड स्लाइसेस है तो क्या मैं यहाँ पे 100 ब्रेड स्लाइसेस लिख दू? Yes, there are 100 ब्रेड स्लाइसेस, तो यहाँ पे 100 लिख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, शेफ कॉल एक मिनट में, अगर हम एक घंटे की बात कर रहे हैं, एक घंटे में हम मैक्सिमम कितना टोस्ट बना सकते हैं? तो देखो, शेफ को एक स्लाइस प्रोसेस करने में एक मिनट लगता है, तो 60 मिनट में कितने ब्रेड स्लाइसेस बेसिकली प्रोसेस करेगा वो? 60, यस और नो? एक मिनट में एक ब्रेड स्लाइस, तो 60 मिनट में कितना ब्रेड स्लाइसेस? 60 ब्रेड स्लाइसेस इनटू नंबर ऑफ शेफ्स कर दो क्या? Yes or no? Yes. Next, एक टोस्ट में 10 मिनट में 4 स्लाइस होते हैं, तो 60 मिनट में कितने स्लाइसेस होंगे? कितने? 24. तो 24 टोस्ट पर टोस्टर, तो 24 टोस्ट इनटू नंबर ऑफ टोस्टर मेरा मैक्सिमम टोस्ट हो जाएगा क्या जो टोस्टर बना सकता है? तो एक घंटे की अगर बात करें तो नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने बोलो? 100. सेकेंड, नंबर ऑफ शेफ्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना स्लाइसेस प्रोसेस कर पाएगा, यस। एंड नंबर ऑफ टोस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक घंटे में मैक्सिमम कितनी ब्रेड बन पाएगी। सबको समझ रहा है? यस। नाउ लेट्स टेक अ नंबर, नंबर ऑफ स्लाइसेस हमने 100 माना, नंबर ऑफ शेफ्स को 2 मानते हैं और नंबर ऑफ टोस्टर्स को 5 मानते हैं। तो देखो, ये तो 100 ही रहेगा क्या? यस। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्लाइसेस इनटू नंबर ऑफ शेफ्स कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60 इंटू 2, यस, 120। एंड तीसरा, नंबर ऑफ टोस्टर्स कितने? 5 यहाँ पे डाल दो, तो फिर कितना आया? 120, यस और नो? सो बेसिकली 100 स्लाइसेस है, नंबर ऑफ शेफ्स अपना 120 बना सकते हैं और अपने टोस्टर 120 बना सकते हैं। तो मुझे बोलो, ओवरऑल में 120 टोस्ट बना पाऊंगी क्या जब स्लाइसेस 100 है? नहीं। सो आई हैव टू टेक द मिनिमम of all these three things, yes or no? I have to take the minimum of these three things because ये भले 120 बना सकता है, toaster भले 120 बना सकता है, but since slices ही 100 है, मुझे 100 toast ही बनेंगे। Yes, समझ में आया है? So basically, the output in 1 hour is going to be a minimum of these three things, that is 100 toast. सबको समझ रहा है क्या? जैसे-जैसे number of chefs change होंगे, नंबर ऑफ शेफ्स अगर 2 से 3 हो जाता है तो ये चेंज होगा क्या?
Yes. Number of toasters. अगर basically 5 से 3 हो जाता है तो भी change होगा value. And number of bread slices change होता है. ये basically input change होगा तो अपना output भी change होगा. That is why we say the output is a function of inputs. Clear है? Yes. अभी एक चीज समझने की कोशिश करो. यहाँ पे for example short term और long term का concept हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है? तो short term basically अभी सोचो number of bread slices easily market में available है. तो क्या ये प्रॉब्लम है? इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हमको अगर ज्यादा खरीदना है तो हम ज्यादा खरीदें, कम खरीदना है तो कम खरीदें, ये प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है. शेफ्स की अगर बात करें, इमीडिएटली नंबर ऑफ शेफ्स बढ़ा सकते क्या? हम लोगों को कैंडिडेट्स बुलाने पड़ेंगे, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, कुछ डेमोज लेने पड़ेंगे, यस और नो? उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने कैफे में काम करने की कि किस तरीके से काम करते हैं. Say for example, chefs 3 weeks का time ले लिया जाता है basically to hire them. 3 weeks का time हम लोग ले रहे to hire them. And toaster अपना एक special type का toaster है जो कि India में नहीं मिलता, तो हम Japan से import करते हैं. Customized toaster है basically. 1 month का time लगता है इस toaster को आने. समझ रहे हो तुमको? I place the order for 5 toasters. But उन toasters को आने में 1 month का time लगता है. There is a lead time of 1 month. Order place किया और 1 महीने बाद मुझे toaster मिलता है. So ये क्या है basically? ये इसमें 1 महीना लगने वाला है कि नहीं? Yes, 1 month का period of time मुझे लगने वाला है to get a new toaster. तो short term की basically अपन बात करें, तो ये increase हो सकता है क्या? Yes, it is not a problem. आसानी से increase हो सकता है. 3 weeks के टाइम में ये इंक्रीज हो सकता है और 1 month के टाइम में ये इंक्रीज हो सकता है. यानी कि शॉर्ट टर्म हम लोग 1 month माने, विच इज द मैक्सिमम ऑफ दीज 3. ये प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली आ सकता है कि 3 week में आएगा और ये 1 month में आएगा. सो बेसिकली शॉर्ट टर्म एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है देन एटलीस्ट 1 factor इज फिक्स्ड. समझ रहे? तो 1 महीने तक कौन सा फैक्टर फिक्स्ड है मुझे बोलो? Toaster. Toaster is fixed. Yani ki capital is fixed. Yes or no? Yes. So short term ek aisa period of time hai where at least 1 factor is fixed. Or beyond this 1 month, it is going to be short term or long term? Long term ho jayega. Because 1 month ke baad sare factors mere change ho sakte hai kya? Variable ho sakte hai kya? Yes. So 1 month is that period of time jiske baad sare factors वेरिएबल हो सकते हैं. सबको समझ में आ रहा है? यस. तो इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं होगा कि एक साल तक शॉर्ट टर्म है और उसके बाद लॉन्ग टर्म है, या 2 साल तक शॉर्ट टर्म है और उसके बाद लॉन्ग टर्म है. यस, इकोनॉमिक्स में जब तक एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स है तब तक क्या है? शॉर्ट टर्म है. और जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं तब ये लॉन्ग टर्म हो जाए. सबको समझ में आ रहा है? यस. तो लेट्स सी यहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या लिखा है. Short term is a period of time in which at least one factor is fixed. Generally, which factor is fixed? Capital is fixed. And long term basically ek aisa period of time hai in which all the factors are variable. Sabko samajh rahe? Isse bahut sare MCQ questions puche jaate hain. So please mark this very very important. Short term and long term. Aapko identify the correct statement, identify the incorrect statement. या फिर पूछा जा सकता है शॉर्ट टर्म इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, एटलीस्ट वन फैक्टर इज वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड. ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको. क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड. ठीक है? अपने एग्जांपल में क्या फिक्स था? कैपिटल, दैट इज द टोस्टर. ठीक है? 1 महीने तक टोस्टर वॉज अ फिक्स्ड फैक्टर. क्लियर है? और बाकी जितने भी फैक्टर्स है वो वेरिएबल. क्लियर? एटलीस्ट वन शुड बी एक से ज्यादा भी फिक्स हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक तो भी फिक्स होना चाहिए. सबको समझ में आएगा? यस. और लॉन्ग रन क्या होता है? जहां सारे फैक्टर्स आर वेरिएबल. क्लियर है? यस एवरीबॉडी. वेदांत क्या कर रहे हो? उठा उसको. ठीक नहीं लग रहा तो बाहर जाके बैठने को.
Oh, go, go. Go. You can sit, then go worship, please, and come back. Chalo. Now, there are a few important points in our module. Let's do those things. Production functions are related. Bahut sara ka theory aur bahut sara text diya hua hai. But we have just shortlisted some 5-6 points from the textbook. ठीक है? जिससे MCQ questions आए जा सकते हैं. पहले तो production function states the technological relationship between input and output. ध्यान आ रहा है MCQ questions में बहुत बार repeat हुआ था. Yes. Dash function states the technological relationship between input and output. It is production function. ठीक है? Next. Relationship exists for a specific period of time. हमने क्या बोला ये पर आवर हम लोगों को नंबर ऑफ टोस्ट निकालना है तो कैसे निकालें हम कभी भी प्रोडक्शन फंक्शन एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं हमने ऐसा बोला था कि आज तक कितने टोस्ट प्रोड्यूस हुए हमने बोला एक घंटे में कितना मैक्सिमम टोस्ट प्रोड्यूस हो सकता है सबको समझा क्या सो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम नॉट accumulated इकट्ठा हमने नहीं बोला कि एक महीने में पिछले एक महीने में कितना प्रोड्यूस हुआ है हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं दैट इज 1 आवर और 1 डे और बात क्लियर है accumulated टाइम की हम लोग बात नहीं करते नेक्स्ट वी अज्यूम दैट वी यूज स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है The best technology available in the market. हम ये assume कर लेते हैं कि we use the best technology. क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा अच्छी आ गई मतलब हम सेम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट बना पाएंगे क्या सेम इनपुट्स में ज्यादा आउटपुट बना पाएंगे क्या नई टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है तो कम इनपुट में भी ज्यादा आउटपुट बन जाएगा तो अपना प्रोडक्शन फंक्शन विल फेल इसलिए हम क्या अज्यूम करते हैं कि रिलेशनशिप चेंज नहीं होगी सो समझ रहे तुमको वी अज्यूम कि हम ऑलरेडी बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वी आर ऑलरेडी यूजिंग व्हाट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी And the last one is we are trying to maximize the output at the given level of input. अगर input already given है, तो हम हमारी कोशिश क्या है? We are trying to maximize the output. और ये किसने बोला? This was basically said by Samuels. ठीक है? तो इनका नाम याद रखेंगे. Who said that basically with the given input we are trying to maximize the output in a production function? किसने बोला? Samuels ने बोला. Clear है सबको? Yes, so production function, whatever theory portion to tha, wo hum logo ne pad liya hai. Now let's come to our example. Yaad hai Mr. Shankar? Do you all remember? Mr. Shankar, he had a farm. Ek ek karke unhone laborers badhaye hue. Kis tarike se apna total product increase hua tha? Yaad aa raha hai? Yes. So dekho, Mr. Shankar has a fixed farm. Ek fixed piece of land hai unke paas. Ab basically, यहाँ पे अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है तो प्रोडक्शन कितना होगा बोलो जैसे जैसे लेबरर्स बढ़ते जाएंगे प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा था लेट्स ऑब्जर्व द टेबल नंबर ऑफ लेबरर्स जब जीरो है तो टोटल प्रोडक्ट जीरो मार्जिनल क्या होता है बोलो वो भी जीरो एंड एवरेज क्या होगा जीरो ठीक है अब एक लेबरर के आने से टोटल कितना प्रोडक्शन बढ़ा 100 केजी का प्रोडक्शन बढ़ा तो मार्जिनल कितना होगा 100 कैसे आया चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबरर्स यस चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर इज बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट सिंस लेबरर यहां पे एक एक से बढ़ा रहे हैं तो हमारा एमपी क्या हो जाएगा चेंज इन टीपी यस बिकॉज इट विल बी ऑलवेज डिवाइडेड बाय 1 एक एक से लेबरर बढ़ रहा है तो हमेशा एक से ही डिवाइड करेंगे इसलिए एमपी इज नथिंग बट व्हाट चेंज इन टीपी टीपी कितने से चेंज हुआ 100 से एवरेज क्या होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबरर्स तो टोटल प्रोडक्ट इज 100 एंड नंबर ऑफ लेबरर इज 1 तो एवरेज कितना आ गया 100 आ गया राइट एक और लेबरर आने से अपना टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हुआ 240 हो गया यानी कि चेंज कितना है 140 का चेंज है दैट चेंज इटसेल्फ इज मार्जिनल होगा राइट और एवरेज क्या हो जाएगा टीपी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबरर्स यानी कि 240 बाय 2 आया 180 यस तीसरा लेबरर आने से टोटल प्रोडक्ट जो है 240 से 405 हुआ यानी कि कितने से बढ़ा
165 से बड़ा और एवरेज देखे तो 405 डिवाइड बाय 3। उसी तरीके से हम लोग पूरा 10, 11 लेबरर्स तक निकालेंगे कि टीपी, एमपी और एमपी क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स ऑब्जर्व द टेबल। अभी अगर टीपी की बात करें, तुम लोग मुझे बताओ कैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है तुमको? फर्स्ट वाला कॉलम कैसा दिखाई दे रहा है? इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? 0 से 100, 240, 405, 560, 710, 840, 910, 960, यस और नो? इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं? कहां तक इंक्रीज हो रहा है? 9th यूनिट तक टीपी इंक्रीज हो रहा है। 10th यूनिट में टीपी इंक्रीज हुआ तो सेम है, सेम है 990 एंड 990, देयर इज नो चेंज इन टीपी। और इसके बाद टीपी गिरने लग गया, यस 990 से 970 हो गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फार्म में टोटल प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करना है, फार्म इंक्रीज कर सकते हो क्या? फार्म इज फिक्स्ड, बट क्या इंक्रीज कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर। सबको समझ में आया क्या? यस। तो 9th यूनिट तक ये टीपी इंक्रीज हुआ, 10th में जाके ये मैक्सिमम हो गया एंड 11th से फिर ये गिरने लग गया, राइट? अब मुझे एक चीज बताओ, 10th लेबरर ने जब कुछ नहीं लाया है, कुछ लाया है क्या? नहीं। जितना 9th ने प्रोड्यूस किया था पूरा मिलके, 9th लेबरर्स ने प्रोड्यूस किया था, उतना ही 10th लेबरर्स ने प्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि 10th लेबरर इनएफिशिएंट है? No, it does not mean that. It means कि farm अब saturate हो चुका है, अब जगह ही नहीं बची। और 11th laborer को लाने से गर्दी बढ़ गई है, crowded हो गया है, जिसके कारण लोगों की efficiency कम होती जा रही है। सबको समझा क्या? So कोई भी basically maximum total production किधर achieve करेगा? ये 10th laborer पे achieve करेगा, इसके बाद TP गिरने लग जाएगा। Because ये 11th laborer आया तो कोई extra production हुआ क्या? नहीं, बल्कि और कम प्रोडक्शन हो गया। समझ में आ गया? तो टीपी और एमपी के बीच की रिलेशनशिप समझो। जब तक एमपी जो है पॉजिटिव है, तब तक टीपी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही एमपी जीरो हुआ, वैसे टीपी मैक्सिमम हो गया, और जैसे एमपी नेगेटिव हुआ, टीपी स्टार्ट्स टू फॉल। ठीक है, तो तीन चीजें हमने ऑब्जर्व की। देन एमपी इज इंक्रीजिंग, टीपी, सॉरी, देन एमपी इज पॉजिटिव, टीपी इज increasing, when MP is zero, TP is maximum, and when MP is negative, TP is falling. सबको समझ में आ गया? ठीक, अब MP और AP के बीच की relationship देखते हैं। चलो, here the concept very carefully, because the thing is, इससे बहुत मतलब बहुत सारे questions पूछे जाते हैं। ठीक है, there are lots of MCQ questions, या फिर true or false, observation के ऊपर होते हैं MP और AP के बीच की relationship, TP और MP के बीच की relationship. Yes, so pay attention. अभी यहाँ पे देखो, MP यहाँ से 0 से 100 हुआ, फिर 140 हुआ, फिर 160 हुआ, MP increase हो रहा है कि नहीं? कौन सी यूनिट तक MP increase हो रहा है? थर्ड यूनिट तक MP increase हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ? ये गिरने लग गया, yes। अगर AP को observe करें तो AP कौन सी यूनिट तक increase हुआ है? देखो, कौन सी यूनिट तक increase हुआ? फिफ्थ यूनिट तक इंक्रीज हुआ, उसके बाद एपी भी गिरने लग गया, यस। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया? यहाँ तक तो ठीक है, एमपी इंक्रीज हो रहा है तो एपी भी इंक्रीज हो रहा है। देखो, एमपी 100 से 140 हुआ, तो टीपी, सॉरी, एपी क्या हुआ? 100 टू 120। एमपी फिर से बढ़ा तो एपी फिर से बढ़ा। अब एमपी गिरा, फिर भी एपी बढ़ा है क्या? एमपी गिरा बट फिर भी एपी बढ़ा, अब ऐसे क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसे? बिकॉज यू टू अंडरस्टैंड, याद करो, ये विराट कोहली का एग्जाम्पल आया है। टोटल रन उसने 5000 बनाए और नंबर ऑफ मैचेस 100 थे, तो एवरेज रन कितना हुआ? टोटल बाय नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि ऑन एन एवरेज पर मैच कितना बनाया? 50 बनाया। अब अगर विराट कोहली 50 से ज्यादा स्कोर करता है, यानी कि से फॉर एग्जाम्पल ही स्कोर्स 70 रन, तो मुझे बताओ टोटल कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5000 टोटल था, 51st मैच में उसने 70 रन स्कोर किए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5070, और टोटल मैचेस कितने हैं? 101, तो यानी कि एवरेज कितना हो गया? 50.7 समथिंग, यस।
तो मुझे बताओ पहले एवरेज कितना था, 50, और अब कितना हो गया है, 50.7 हो गया है, यानी कि एवरेज क्या हुआ, एवरेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ था। क्यों एवरेज बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे ही स्कोर मोर देन द एवरेज, अगर वो एवरेज से ज्यादा स्कोर करेगा तो एवरेज बढ़ेगा, समझ में आ गया। सो व्हेन एपी इज मोर देन एपी, एवरेज विल इंक्रीज, अगर वो 50 रन से कम स्कोर करता है उसका एवरेज गिर जाएगा, समझ में आ गया, इसका एवरेज गिर जाएगा, 50 से कम स्कोर करेगा, और अगर एग्जैक्ट 50 स्कोर किया तो एवरेज विल रिमेन द सेम। यस, कैलकुलेट करके देखो, 5050 डिवाइडेड बाय 101 कितना आएगा, 50 आएगा, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस, तो एवरेज जितना भी स्कोर किया तो एवरेज विल रिमेन द सेम, और एवरेज से कम स्कोर किया तो एवरेज विल फॉल। तो इससे तीन कंक्लूजंस ड्रॉ होते हैं हमारे, if MP यानी कि number of runs that he scoring is more than the average which is 50, तब क्या होगा, average will increase, यानी ये वाला केस। दूसरा, if MP is equal to AP then average will remain the same, and when MP is less than AP average will fall। सबको समझ रहे क्या, पहले वाले में focus करो, if MP is more than AP average will increase, फिर से बोलो क्या बोला मैंने, when MP is more than AP एवरेज विल इंक्रीज। अब वापस टेबल क्या है, अब देखो यहाँ तक तो एमपी इंक्रीज हुआ है, अब 165 से 155 हुआ, यानि कि एमपी गिरा, ये छोड़ो, बट फिर भी एमपी बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, बिकॉज 155 दैट्स अ मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्टिल मोर देन 135 व्हिच इज एवरेज, यस और नो, सो एमपी इवन दो गिरा है इट इज मोर देन the average of 135, इसके कारण AP increase हो गया, MP is more than AP, that is why there is an increase in AP, clear है, सबको समझ में आया, confusion हो रहा है, क्या किसी को confusion, तो please let me know, अभी clear करना जरूरी है, एक महीने में exam, बोलो, confusion है, everybody, तो देखो, क्या हुआ, MP गिरा, उसके बाद भी AP increase क्यों हुआ, because MP is still more than the average of 135, yes, तो यानी कि विराट कोहली का अगर average 135 runs था, next match में अगर 155 मारेगा, तो average बढ़ेगा भी नहीं, yes, तो average यहाँ पे बढ़ेगा। next देखो, 150 से वापस उसने अभी 155 से 150 मारा, MP अभी भी गिर रहा है क्या, yes, but AP अभी increase हुआ, क्यों, because 150 is still more than 140, इसके कारण एवरेज अभी भी बढ़ा है, सबको समझ में आ रही है, यस, तो अगर विराट कोहली का एवरेज 140 था और उसने 150 मारा तो क्या एवरेज बढ़ेगा, यस डेफिनेटली द एवरेज विल इंक्रीज। तो तीन कंक्लूजंस देखिए इससे, इफ एमपी इज मोर देन एपी, एपी विल इंक्रीज, इफ एमपी इज लेस देन एपी, एपी विल फॉल, and if MP is equal to AP, then MP will remain the same. सबको समझ में आ रहा है? Yes, everybody? Yes. Now, ऐसे कुछ conclusions लिखे थे हम लोगों ने. Let's come to those conclusions. When AP rises, MP is more than AP. क्या ही conclusion है? जब AP बढ़ रहा है, तो हमको पक्के से पता है that MP is more than AP. You all agree? Yes. When MP गिर रहा है, तो हमको पक्के से पता है that MP is less than AP. Yes or no? Yes. And when MP remains the same, हमको पक्के से पता है that MP is equal to AP. Even though MP गिर रहा है, but फिर भी अगर AP is basically MP is equal to AP. पिछले बार से MP गिरा है, but फिर भी MP is equal to AP. तो भी हमारा AP change होगा क्या? No. It will remain the same. Clear है? सबको समझ में आया? और इसके बाद एक conclusion लिखा है. Even though MP is falling, if MP is more than AP, AP will still rise. सबको समझ में आया? Everybody. Yes. और यही है, ये basically अपन short term में देख रहे हैं कि ये चीजें. क्यों short term में देख रहे हैं? Because ये farm increase कर सकते हैं क्या? No. Farm is a fixed factor. So at least one factor is fixed. Yes. तो ये हम short run में पढ़ रहे हैं, long run. Short run में. और यही है law of variable proportions और law of diminishing returns. समझ रहे हैं तुमको? तो ये दोनों laws जो है, ये basically law of diminishing returns and law of variable proportions,
ये शॉर्ट रन में ही अप्लाई करा जा सकता है. सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस. ओके, अभी मुझे एक चीज बताओ, उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोलते हैं? लेबर वेरिएबल है इसलिए. वेरिएबल की वजह से लॉन्ग रन में भी लेबर वेरिएबल रहेगा क्या? कैपिटल भी वेरिएबल हो जाएगा लॉन्ग रन में. तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज देखो, लैंड इज फिक्स्ड, यस और नो? यस. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लैंड को इंक्रीज कर पा रहे क्या? नहीं. लेबर बढ़ा पा रहे क्या? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक हम लोगों ने लेबर बढ़ाया. यस. तो अभी रेशियो या प्रोपोर्शन देखो कितना हो रहा है. पहले केस में 1:2. यस. फिक्स्ड फैक्टर इज टू वेरिएबल फैक्टर का रेशियो प्रोपोर्शन कितना है अभी? 1:2. सेकेंड केस में 1:4. नेक्स्ट केस में 1:6. बेसिकली फिक्स्ड फैक्टर चेंज नहीं हो रहा है और वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है. यानी कि ये रेशियो सेम है या अलग अलग है? हर बार अलग है. ये रेशियो पहले 1:2 था, फिर 1:4 हुआ, फिर 1:6 है. ये क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन बिटवीन व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. एवरीबॉडी क्लियर? इसका जो रेशियो है फिक्स्ड फैक्टर टू वेरिएबल फैक्टर, ये चेंज होता रहता है इन केस ऑफ शॉर्ट रन. इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं. लॉन्ग रन में चाहे लैंड भी चेंज होगा. यस. जब हम इंक्रीज करते हैं रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है? हम सारे के सारे इनपुट्स को सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करते हैं. तो पहली बार अगर बेसिकली रेशियो 1:2 था, तो अभी सारी बार रेशियो क्या रहेगा? 1:2 ही रहेगा. बेसिकली अगर हम लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर 2 लैंड है तो 4 लेबर लगेंगे. 1:2 का रेशियो मेंटेन रहे. समझ रहे क्या? अगर 6 लेबर्स है तो कितना लैंड लगेगा? 3 लगेगा. बिकॉज रेशियो इज गोइंग टू रिमेन द सेम. तो जब रेशियो सेम रहता है, जब हम लैंड और लेबर दोनों को इक्वली सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा सकते हैं, ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. जहां सारे फैक्टर्स वेरिएबल, यस और नो? लैंड और कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, ये सारे फैक्टर्स एक ही प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करते हैं. समझ रहे हैं तुमको? तब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल, बट शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर चेंज होगा क्या? नहीं. सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो. सिंस अलग अलग रेशियोज आ रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. डू यू ऑल अग्री? यस. अभी लेट्स कम टू द ग्राफ ऑफ द टेक्स्ट बुक. एक बार ग्राफ पे आओ. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. देखो यहाँ पे एनपी है, एपी है और टीपी. ठीक है, पेज नंबर इज 3.19. तुम्हारे नोट्स में देख लो एक बार. अभी बेसिकली दिस, ये जो ब्लू लाइन है दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली एनपी. ठीक है, अब इधर ग्रीन लाइन से आई एम गोइंग टू मार्क एपी. ग्रीन लाइन से एपी मार्क करते हैं. इन सारे वेरिएबल्स बेसिकली सारे के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे. टीपी एमपी, एपी एमपी, राइट? इन सब के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे और उनका देखेंगे कि किस तरीके से ये बिहेव करते हैं. अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टीपी मैं मार्क कर रही हूँ, क्लियर है? तो अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज को हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स. देखो ये बोलते हैं क्या? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स. सेकेंड स्टेज को हम लोग बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स. और तीसरा स्टेज को हम बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स. ठीक है, सो इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग एंड नेगेटिव रिटर्न्स. क्लियर है? चलो अभी देखते हैं फर्स्ट स्टेज में क्या क्या है. फर्स्ट स्टेज तुमको कहां तक दिखाई दे रहा है? ये वाले पोर्शन तक दिख रहा है क्या फर्स्ट स्टेज? यस. ये वाले पोर्शन तक बेसिकली जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल स्टेज 1. यहां से यहां तक क्या है? स्टेज 2. और इसके बाद का क्या है? स्टेज 3. नाउ लेट अस एनालाइज कि बेसिकली स्टेज 1 में एग्जैक्टली क्या हो रहा है. देखो एमपी इट इज इंक्रीजिंग, यस और नो? एक मैक्सिमम पहुंचता है एमपी और फिर उसके बाद गिरने लग जाता है. व्हेयर ऑन द अदर हैंड
अगर आप एपी को ऑब्जर्व करो, एपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट स्टेट. यस, ये ग्रीन लाइन को ऑब्जर्व करो, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग दिख रहा है कि नहीं इस पॉइंट तक? यस. क्यों हुआ ऐसे? एपी इधर से गिरना चालू हो गया बट एपी बढ़ रहा है. व्हाई? बिकॉज एमपी इवन दो इट इज फॉलिंग इट इज स्टिल ग्रेटर दैन एपी. क्लियर है? देखो यहाँ पे ब्लू वाली लाइन इज अबव द ग्रीन वाली लाइन. यस, दैट मीन्स MP is more than AP. इसके कारण AP बढ़ रहा है. समझ रहे हो तुमको? So basically, even though stage one में MP increase होता है और फिर गिरने भी लग जाता है, AP is always increasing. Clear है? सबको? Yes, MP will reach its maximum and then it will start falling. Clear? तो basically stage one पे AP is at its maximum. तुमको दिखाई दे रहा है क्या? MP basically AP को इधर cut कर रहा है. They are intersecting. The blue and the green lines are intersecting. So basically, AP will be maximum when AP is equal to MP. क्यों? क्योंकि तब तक basically AP increase हो रहा था. एक maximum point पहुंचता है, उसके बाद AP starts falling. Yes, तो AP का maximum किधर है? Point of intersection between AP and MP. So AP is maximum when AP is equal to MP. Clear? अच्छा. इसके बाद ध्यान से देखो, सेकेंड स्टेज की अगर बात करें, सेकेंड स्टेज में एमपी किधर चला गया? नीचे जा रहा है. एपी भी नीचे जा रहा है. क्यों? एमपी इज लेस देन एपी. सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ मैं लिख दूं क्या ऑब्जर्वेशन कि व्हेन ये पॉइंट तक देखो एमपी वाज इंक्रीजिंग, फिर एमपी गिरने लग गया, बट फिर भी पूरे के पूरे स्टेज वन में AP is increasing. Why? Because MP is still more than AP. Yes, इस point पे, इसे हम point S यहाँ पे mark किया हुआ है. At point S, AP is maximum. Why? Because AP is equal to MP. Clear? And stage 2 में आप observe कर सकते हैं that AP is falling. Why is it falling? Because MP is less than AP. Clear है? यहाँ पे आपको stage 2 में दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पे green line is above the blue line, यानी कि MP is less than AP. इसलिए AP गिर गया. सबको समझ में आ रहा है? Yes or no? Yes. Now let's observe the relationship between TP and MP. AP MP हो गया क्या ना? Yes. AP MP हो गया क्या? Yes. अभी TP और MP के बीच के relationship देखो. देखो. If MP is increasing, ये maximum point तक पहुंचता है, फिर वो क्या करने लग जाता है? गिरने लग जाता है. It becomes zero and then it also becomes negative. Yes. तो TP को observe करो. TP was increasing at a very fast rate. यहाँ तक. Why? Because MP was also increasing. But suddenly, TP का curve ऐसे change होता हुआ दिख रहा है क्या? Yes. पहले ये ऐसा बढ़ता था और जैसे ही point पहुंचा, ऐसा बढ़ने लग गया. समझ आ रहा है तुमको? Can you see this particular shape? बहुत fast बढ़ रहा था, steep था पहले और फिर ऐसे हो गया. समझ आ रहा है? तो basically, जब तक MP increase हो रहा था, जब तक MP increase हुआ, TP was increasing. Increasing rate. और जैसे ही MP गिरने लगा, TP अभी भी increase हो रहा है, but at a diminishing rate. और यही basically point where MP is maximum, ये कहलाता है point of inflection. ठीक है? Point of inflection क्यों बोलते हैं? Because ये curve change हो रहा है. TP का पहले curve था concave और फिर उसके बाद बन गया convex बन गया. सबको? अच्छा, तो देखो तुमने देखा कि स्टेज वन जैसे एंड हुआ, एमपी अभी भी पॉजिटिव है क्या? है? यस, एमपी अभी भी पॉजिटिव है. तो देखो एमपी टीपी अभी भी बढ़ रहा है, ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है क्या? दिख रहा है इंक्रीज होता हुआ? ये वाला पार्ट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? यस. व्हाई? बिकॉज़ एमपी व्हिच इज द ब्लू लाइन, इट इज स्टिल पॉजिटिव.
यानी कि addition to TP हो रहा है, positive है, यानी कि TP will be increasing. अभी second stage के end में देखो क्या हो रहा है, MP is becoming how much? Zero. तब आप देखेंगे TP is at its highest point. That means TP is maximum. और उसके बाद MP negative हो जाता है, तभी TP गिरने लग जाता है. सबको समझ में आ रहा है? तो TP और MP के बीच की relationship कैसी है? When MP is increasing, TP increases at an increasing rate. Then MP is maximum. It is known as point of inflection. When MP falls, TP is increasing. That is diminishing rate. When MP is zero, TP is maximum. And when MP is negative, TP starts falling. Clear hai everybody? Abhi jitne bhi humne observations dekhe, in sab se question pucha jata hai. Every single thing, ye jitna bhi maine bataya, in sab se question pucha jata hai. So now I am going to keep a few questions in front of me. Maine likh ke rakha hai. So I am going to tell you the question, and you guys are able to tell me if it's true or false. Chalega? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछता है. हाँ ठीक है चल. अभी एकदम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं. ठीक है अभी दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान से सुनो. यस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एमपी इज राइजिंग एमपी इज आल्सो राइजिंग ट्रू और फॉल्स. इट इज ट्रू व्हेन एमपी इज राइजिंग एमपी इज आल्सो राइजिंग. भाई अपने नोट्स में भी तो ये देखा ना क्या मैंने. यस देखा ना क्या. अरे बिल्कुल देखा था ना हम लोगों ने. व्हेन एमपी इज राइजिंग देखो इस पॉइंट तक एमपी इंक्रीज हो रहा था एमपी भी इंक्रीज हो रहा था क्या. यस बिल्कुल. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन एमपी इज फॉलिंग एमपी इज आल्सो फॉलिंग ट्रू और फॉल्स. फॉल्स. व्हाई हु कैन टेल मी द रीजन. दे इज अ मैन इफ यू नो द रीजन. यस वेरी गुड. So when MP is falling, it is not necessary that MP will also fall. क्यों? Because अगर MP गिर रहा है और फिर भी MP is more than AP, तब AP increase होगा. सबको समझ में आ गया? तो MP is falling does not necessarily mean that AP will also fall. Clear है सबको? Yes or no? Yes. Next, AP rises throughout stage one. It's true. AP rises throughout stage one. हम लोगों ने देखा था यहाँ पे green line देखो stage one तक हो रही है क्या increase? Yes. Constantly increase हो रही है. Yes. What about MP? It rises throughout stage one. Yes or no? False. It is false. MP rises and then starts falling in first stage. समझ में आ रहा है क्या? So MP is always increasing in stage one. ये true या false? ठीक है. अच्छा उसके बाद एपी विल इंक्रीज टिल विच पॉइंट. एपी विल इंक्रीज एपी विल इंक्रीज टिल विच पॉइंट. एपी इज इक्वल टू एपी एंड एपी विल इंक्रीज टिल विच पॉइंट. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. ध्यान देगा ये चीज. ठीक है. अच्छा इसके बाद TP is increasing at an increasing rate in stage 1. सोच के बोलो. TP is increasing at an increasing rate in stage 1. True or false? Quite a lot of mixed reactions. किसे लोगों को लगता है true है? Raise your hands. तीन चार हो गए. Who thinks this is false? Quite a lot. अभी समझो क्यों false है. TP is increasing and then it starts. So TP is increasing always. That's true. TP always increases in stage one. But till point of inflection, it will increase at an increasing rate. And then it will increase at a diminishing rate. Is stage one mein hi curve le leta hai kya? Dekho point of inflection beech mein aaya kya? Yes. So it will increase at an increasing rate. And then it will increase at a diminishing rate in stage one. Clear? Second question. TP increases at a diminishing rate in stage 2. True. Why is it true? Because MP is falling. MP positive already, but it is falling. That is why TP is increasing at a diminishing rate. Acha. Next. In stage 2, AP is always falling.
True or false? True. True. AP is always falling in stage 2. Why? Because MP is less than AP. Here has a quote. Yes. In stage, at the end of stage 2, AP is 0. True or false? False. AP is 0. True or false? False. MP becomes 0 at the end of stage 2. Clear it? At the end of stage 2, TP becomes 0. True or false? False. TP is maximum. Achha. In stage 3, MP becomes negative. False. MP becomes negative and TP starts to fall. Ye question aur puchhoge? Yes. Yes, chal. When AP is rising, MP is also rising. False. When AP is rising, MP is also rising. It is false. You guys are correct. When AP is rising, doesn't necessarily mean ki MP will increase. Or nahi. Till the time MP is more than AP, AP will increase. MP gir bhi raha hai, toh bhi AP minus. Sabko samajh aa raha kya? Dekho, pehle question alag tha. When MP is rising, AP is always rising. True or false? True. But when AP is rising, AP is always rising. False. Sabko samajh mein aa gaya? हमेशा ये माइंड में अपने ये छाप लो. ये जो डायग्राम है, दिस यू शुड रिमेम्बर, बिकॉज़ इससे इतने क्वेश्चंस आएंगे. आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू मतलब 20-25 क्वेश्चन ये पूरे आपके इसी से पूछे जा सकते हैं. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. समझ आ रही क्या? मैं ऐसे नहीं बोल रही 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे. आई एम सेइंग दैट 20 क्वेश्चंस इससे निकल सकते हैं. इस पर्टिकुलर चार्ट से, इस पर्टिकुलर डायग्राम से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट निकल सकते हैं. आप चाहे तो और भी निकाल सकते हैं. समझ आ रहा है क्या? यस. एक और क्वेश्चन पूछो. व्हेन एपी फॉल्स, एमपी आल्सो फॉल्स. आई डोंट वांट टू शो यू द डायग्राम, तुम याद करो और मुझे बताओ. व्हेन एपी फॉल्स, एमपी आल्सो फॉल्स. दिस इज ट्रू. ठीक है, सेकंड स्टेज में एपी गिरता है और एमपी भी गिरता है. नेक्स्ट, when MP is maximum, TP is change in rate. समझ में आ रहा है? When MP is maximum, TP is not maximum. There is a change in rate. TP was increasing at an increasing rate, and then it increases at a diminishing rate. अच्छा, throughout stage one, TP increases. True or false? True. Throughout stage two, TP increases. True or false? True. Throughout stage 3, TP falls. Samjha gaya? So, TP maximum kab hoga at the end of stage 1? At the end of stage 2. Samajh mein aaya? Dekho, is tarike ke variety of questions nikal sakte hain aapke is particular diagram se. Jitna is diagram ko dekhoge, utne sare questions aapko banenge. ठीक है, सो ऑल दीज क्वेश्चंस दैट आई हैव टोल्ड यू अभी जो हमने डिस्कस करे, प्लीज इसको घर जाके एक पेज में लिख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले ये चीज कंफ्यूजिंग लगेगी. अभी लिख के रख लोगे तो तुमको एटलीस्ट पता रहेगा सही आंसर क्या है. तो लॉजिक यू विल ट्रेस बैक. समझ में आया क्या? हमेशा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना और ये पेज में लिख के रख लेना, तो इससे बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. अंडरस्टूड? यस सर. चल अभी let's come to the three stages. Stage one क्या है? Stage of increasing returns. यहाँ increasing returns क्यों बोला गया? Because AP is always increasing in stage one. AP is always increasing in stage one. क्या सोचेगा? क्या करोगे? मैम वो मुझे वो डायग्राम में डाउट था. हाँ. आपने एक क्वेश्चन में बोला था कि व्हेन एमपी फॉल्स इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एपी टू आल्सो फॉल स्टेज टू में, तो वो मैं थोड़ा लाइक कंफ्यूज हो गई, लाइक आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. नॉट इन स्टेज टू. व्हेन एमपी फॉल्स, एमपी कहां से गिरना स्टार्ट हुआ? था स्टेज 1 से या स्टेज 2 से? स्टेज 2 से. एमपी 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 स्टेज 1 से. स्टेज 1 से गिरना चालू है, बट एपी क्या कभी भी इंक्रीज हो रहा है? एमपी स्टेज 1 से गिरना चालू हो गया, बट एपी क्या कभी भी इंक्रीज हो रहा है? यस. क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज एमपी इज मोर देन एपी. समझ आ रहा है क्या? यस. सुचिता समझ आ रहा है?
स्टेज वन में एमपी गिरना स्टार्ट हो जाता है बट एपी तभी भी इंक्रीज हो रहा है व्हाई बिकॉज एमपी इज स्टिल मोर देन एपी जब एमपी एपी से कम हो जाएगा तब एपी गिरेगा और जब एमपी इज इक्वल टू एपी देन एपी इज मैक्सिमम ध्यान रहेगी ये चीज सुचिता समझा क्या यस और नो सुचिता आई देयर I think समझ गया. Yes, विराट कोहली वाला example हमेशा ध्यान रखना. 5000 runs in 100 matches. तो अगर average अपना कितना हो गया इस केस में 50. तो अगर उसने 50 से ज़्यादा एक match में जो extra runs score किया, that is basically marginal product. Yes, what is MP? It is the additional production by that additional laborer. तो एक extra laborer से कितना extra production हुआ? एक extra match से कितना extra runs हुआ? That is MP. So, अगर विराट कोहली 70 बनाता है, यानी कि MP is equal to 70, which is more than average, तो AP will increase, average will increase. वो चीज हमेशा ध्यान रखना और उसको सोचकर answer करो. ठीक है? Yes, चल. Let's come to the three stages. I hope Suchita, your doubt is clear. Yes, ma'am. Let's come to the first stage. Stage of increasing returns. क्यों increasing returns बोला इधर? Because MP is always increasing. MP always increasing होता है stage one में? No. MP is always increasing in stage one. यहाँ पे MP increases, reaches its maximum and then starts falling in stage one. समझ में आ रहा है? अगर मैं होती तो मैं MP को देखते हुए stages decide करती हूँ. मैं होती तो यहाँ पे stage one हो जाता हूँ. But आके author ने अलग तरीके से लिया है. Because what do? Stage two में हम क्या बोलते हैं? कि MP is falling इसलिए MP इसलिए diminishing returns है और stage 3 में MP is negative that is why negative returns समझ रहे हैं उनको so हम MP को ध्यान में रखते हुए तीन stages निकालते हैं but यहाँ पे आपके author ने क्या किया है stage 1 basically MP को ध्यान में रखते हुए increasing returns सबको समझा गया yes do you all understand are you all following me तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है एपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन स्टेज वन इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इधर टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू अ पॉइंट व्हाट व्हिच इज दैट पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी फॉल्स टीपी इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग सबको समझ में आ रहा है यस तो ये बहुत क्वेश्चन बन सकता है कि अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट ट्रू और फॉल्स फॉल्स इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग सबको समझ में आया यस आगे देखो क्या लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो राइजेस एंड इज मैक्सिमम एट अ पॉइंट which is the point of inflection and then and the average product goes on rising yes uske baad bataya gaya hai ki kis tarike se MP starts falling but hum MP ko dhyan mein rakhte hue kisko dhyan rakhte hue stage ka naam hai ke AP ko dhyan mein rakhte hue it is stage of increasing returns because AP is always rising clear hai sabko let's come to the next stage stage of diminishing returns abhi yahan pe kuch reasons diye hue hain first reason and second reason ye ek baar dekh lena acha kya reason ho sakta hai tum socho ek farm hai hum number of laborers badhayenge farm fixed yes farm ko bada sakte hain nahi to production agar increase karna hai to kisko increase karna padega variable factor ko yes to jaise jaise laborers add karenge हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा यस जब एक लेबरर था तब हमारा प्रोडक्शन 100 केजीस था यस यस दूसरा लेबरर आने पे प्रोडक्शन 200 नहीं हुआ कितना हुआ 240 हुआ क्यों हुआ ऐसा है कि सेकंड लेबरर ज्यादा काम कर रहा है नहीं बेसिकली काम बढ़ गया ठीक है तो ये ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं इसीलिए प्रोडक्शन 240 तो जैसे जैसे लेबरर्स बढ़ते जाते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है क्योंकि फार्म बहुत बड़ा है बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फार्म सैचुरेट हो जाएगा जहां एमपी विल बी जीरो एंड उसके बाद ओवर क्राउडेड हो जाएगा तब एमपी विल बिकम क्लियर है सबको यस तो देखो एक रीजन है फर्स्ट स्टेज में सब क्यों बढ़ता है
या टीपी इंक्रीज इन रेट से क्यों बढ़ता है या एमपी इंक्रीजेस ऐसा क्यों होता है बिकॉज फिक्स फैक्टर ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज होता है. सबको समझ आ गया? एक लेबरर में इतना बड़ा काम एक लेबरर एफिशिएंटली काम होगा नहीं. जब काम बढ़ेगा लेबरर्स बढ़ेंगे तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. सबको समझ आया? तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है क्या कि फिक्स्ड फैक्टर इज मोर इंटेंसिवली एंड इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड. दैट इज जैसे जैसे वेरिएबल्स बढ़ेंगे वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा फिक्स्ड फैक्टर ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा. एंड द सेकंड रीजन व्हाई वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. तो फिक्स्ड फैक्टर की एफिशिएंसी तो बढ़ेगी कि नहीं वो तो इंप्लाइड है, बट जैसे जैसे लेबरर्स बढ़ेंगे उनका भी काम बढ़ेगा. Yes, वो भी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाते. पहले एक ही इंसान सीड्स भी डालता था इरिगेशन भी करता था प्लांट्स को हार्वेस्ट भी करता था सब कुछ करता था. उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा था तो प्रोडक्टिविटी कम थी. पर जैसे जैसे लेबरर्स बढ़े उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है. तो एक सिंगल जो लेबरर था उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी. तो फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों ज्यादा एफिशिएंटली यूटिलाइज हो पाएंगे. दैट्स द रीजन फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स. सबको समझ में आ रहा है? यस. लेट्स कम टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स. अभी बेसिकली क्या क्या लिखा है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आया है? बिकॉज एपी एंड एमपी बोथ आर फॉलिंग. यस. टीपी गिर रहा है क्या इधर? नो, टीपी नहीं गिर रहा है. टीपी इज स्टिल इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. ठीक है. तो टीपी इज स्टिल राइजिंग. टीपी स्टिल इंक्रीजेस बट एमपी और एपी दोनों गिर रहा है इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एंड द लास्ट वन इज व्हाट स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. जहां पे व्हाट इज नेगेटिव बोलो? एमपी इज नेगेटिव and TP starts to fall. सबको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ ओवर यूटिलाइजेशन हो जाता है. फिक्स फैक्टर में ओवर क्राउडिंग हो गई. ठीक है. धीरे धीरे ओवर क्राउडिंग हो गई है बिकॉज वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव इन रिलेशन टू द फिक्स फैक्टर. इसीलिए they basically affect each other's productivity or TP starts to fall. MP becomes negative. सबको समझ आ रहा है क्या? Yes or no? Yes. तो ये तीन stages थे. पहला stage of increasing return, second stage of diminishing return and next one is stage of negative return. सबको समझ में आया? अभी यहाँ पे कुछ assumptions हैं. अब देखो, let's read this. ज़्यादा नहीं है, एकदम थोड़े से assumptions हैं. कहाँ दिए हुए assumptions? Starting में दिए क्या? हाँ, यहाँ लिखा है the law operates under the following assumptions. क्या-क्या assumption है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है. सो द लॉ ऑपरेट्स अंडर द फॉलोइंग अजम्पशन. क्वेश्चन कैसा पूछता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. कैसा पूछता है? पहला अजम्पशन क्या है? वी अज्यूम दैट वी आर यूजिंग व्हाट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. हम अज्यूम करते हैं दैट वी आर यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी पहले से. क्योंकि अगर और अच्छी टेक्नोलॉजी आ सकती है तो एग्जिस्टिंग इनपुट में और ज्यादा आउटपुट बन पाएगा. समझ में आ रहा है? तो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी इनपुट और आउटपुट की. तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं क्या? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी. दूसरा दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड. देयर आर सम इनपुट व्हिच इज फिक्स्ड बट जनरली वो इनपुट कौन सा होता है? कैपिटल. ठीक है. सो जनरली वो इनपुट कौन सा होता है? कैपिटल होता है व्हिच इज केप्ट फिक्स्ड. लेबर को जनरली क्या रखते हैं हम लोग? वेरिएबल रखते हैं. समझ में आ रहा है? सबको? यस. नेक्स्ट द लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोस केसेस वेयर द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू यील्ड द आउटपुट. इसका क्या मतलब है? वापस पढ़ते हैं. द लॉ डज नॉट अप्लाई टू केसेस वेयर द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. फिक्स्ड प्रोपोर्शन मतलब वही 1:2. यस. द फैक्टर्स शुड नॉट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू यील्ड द आउटपुट. इसका मतलब क्या है? अगर जैसे लेबर और कैपिटल दो मानते हैं, लेबर एंड कैपिटल. अच्छा, अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड पे कैपिटल रखते हैं क्योंकि पहले भी अपन लोगों ने लैंड इधर रखा था. लैंड इज आल्सो अ टाइप ऑफ कैपिटल. यस और नो? यस. क्या हम लोग फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, लेबर एंड कैपिटल? एंटरप्रेन्योर इज अ टाइप ऑफ
labor and land is a type of capital. Invested money on the product, yes or no? Yes. So basically, capital and land, these are like under capital. And labor and entrepreneur case are under labor. Sabko samajh mein aa raha hai. So we sirf do factors of production ko dhyan mein rakhte hain, capital and labor. Aur yahan likhte hain ratio ya proportion. Theek hai? So agar basically output hai, yahan likh deti hu main output. Theek hai? So output is 100 kgs. Tab hum logon ne kitna capital use kiya? 8 land aur 2 labor mante chal. Example, 2 labor. ठीक है तो प्रोपोर्शन क्या हुआ 1:2 अब वो वापस वही लाइन रीड करते क्या लिखा है द लॉ डज नॉट अप्लाई टू केसेस व्हेन द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू द आउटपुट अब मतलब प्रोपोर्शन चेंज नहीं होने वाला है 1:2 ही है प्रोपोर्शन है 1:2 और आपको आउटपुट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो हमेशा कैपिटल और लेबर सेम प्रोपोर्शन में अगर यूज हो रहा है 1:2 तो अगर आउटपुट बनाना है तो लेबर तो बढ़ेगा कि नहीं यस 4 लेबर 4 है तो लैंड कितना लगेगा 1:2 लेबर अगर 4 है प्रोपोर्शन अपन को सेम रखना है 1:2 तो बेसिकली लैंड कितना हो जाएगा कैपिटल कितना हो जाएगा वो हो जाएगा कि नहीं सबको समझ रहा है यस बट यहां पे हम लोगों ने किया क्या बेसिकली अपना तो एक फैक्टर जो फिक्स था उसको भी वेरिएबल मान लिया फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस चलेगा क्या इसके ऊपर देयर एट लीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड चलेगा क्या नहीं तो बेसिकली ऐसे गुड्स जहां पे सेम रेशियो में हमको काम करना पड़ता है ये सारे रेशियो पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन काम नहीं करेगा बिकॉज यहाँ अगर लेबर बढ़ रहा है एक मशीनरी को 2 लेबर लगता है अगर 4 लेबरर काम करने वाले तो कितनी मशीनरी लगेगी दो लगेगी कि नहीं यस ये अगर एक ही मशीनरी में चारों लोग काम करेंगे तो भी आउटपुट 100 ही रहने वाला है इंक्रीज होगा क्या नहीं ठीक है समझ में आ गया सबको एंड द लास्ट वन इज वी कंसीडर ओनली द फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट एंड नॉट द इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक टीपी एमपी एपी और आउटपुट ये सब देखा कहीं भी कॉस्ट के बारे में बात की We are not talking about cost because this is pure production analysis. Yeah, I read that. In pure production analysis, do we consider the cost of production? No, we consider only input and output. Physical input or output ko consider karenge, productivity ko consider karenge, profitability ko ignore karenge. Wo kidhar consider karenge? Cost analysis. Second unit. Sabko samjha gaya? Yes. So there were 4 assumptions. Pehla kya? That we are using state of the art technology. सेकेंड हमने बोला सम इनपुट्स आर फिक्स्ड तीसरा बोला इट डज नॉट अप्लाई टू दोस केसेस वेयर फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज रिक्वायर्ड टू यील्ड मोर आउटपुट एंड लास्ट वन इज फिजिकल आउटपुट एंड इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात नहीं एवरीबॉडी इज क्लियर यस आज पूरा हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कवर कर लिया आई ऑल क्लियर बोलो एकदम अच्छे से समझ में आया क्या अगेन वी हैव कवर्ड सम 20 So 10 pages आज हम लोगों ने कवर किया almost. Yes, everybody understood? Log variable proportions. यहाँ पे formula भी दिए हुए कहीं कहीं पे. ये formula ध्यान रखना. Yes. हो गए बातें. अरीबा. So what I said was कि यहाँ पे कहीं कहीं पे formulas भी दिए हुए हैं. तो ये formula आपको ध्यान रखना है. AP is what? TP by number of units of labor vanity variable factor next np is equal to tpn minus tpn minus 1 ये basically utility वाले जैसे relationship type का है समझ में आ गया अच्छा and what is the other formula for np change in tp divided by change in quantity of labor yes तो ये सारे formula थे right I hope सब लोगों को अभी clear हुआ जितना भी हम लोगों ने पढ़ा तुमको सब समझ में आ गया चलो आई सी यू गाइस बाय बाय